कितनी एज है इनकी भैया? ये भैया लगभग दो दो महीने के होने वाले हैं। अरे भाई भाई, दो दो महीने के हिसाब से आप इनकी हेल्थ चेक कर रहे हो। इनका फादर कौन है? 18x8। और साथ ही साथ जैसे जो अंदर है सारा, एक आप देख सकते हो एग्जॉस्ट है, अंदर कूलर की प्रॉपर सेटिंग की हुई है। और ऑलमोस्ट कितने डॉग्स हो गए हैं पाजी अभी आपके पास यार? ये बात तो हमारे को पता लगा, 2013 बॉर्न है फीमेल जो, और मेल कौन से ईयर का बॉर्न है पाजी? इसके भी 8 साल के करीब हो रहा है, 7+ हो गया है। अच्छा। एक चीज ना अभी देखना पाजी, आप बता दे कि इसकी इतनी प्रैक्टिस है बिना लीश तक के? बिना लीश के भी चलता है। उसको देखना, वो उसको तो फुटबॉल के साथ खेलना। ओहो ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अरे 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 अरे, किसकी ब्रीडिंग क्या है ये? इंटरनेशनल ब्रीडिंग क्या? बाहर का हो गए, इंपोर्ट हो गए, बीएड हो गए, टू कंट्री का बीएड है, 10 टाइम SG1 है और 5 टाइम V1 है, 5 टाइम V2 है। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और खास होने वाला है, बिकॉज मैं हूँ अभी फिलहाल मेरठ के अंदर, मेरठ के पास यूपी के अंदर। मैं मिलने आया हूँ हमारे कपिल चौधरी पाजी से, तो मैं अभी आपको कपिल चौधरी पाजी से मिलवाऊंगा, साथ ही साथ आपको जो है मैं दिखाने वाला हूँ बहुत अमेजिंग और बहुत ही एक कह सकते हो सुपर्ब क्वालिटी के जो है जर्मन शेफर्ड, जो कि चैंपियन भी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। तो आपको पूरा सेटअप दिखाएंगे और बहुत अच्छा अभी फिलहाल टाइम चल रहा है, मौसम हो गया, तो आ जाओ अभी, तो फिलहाल गेट चेक करो आप। हाँ जी कपिल पाजी, कैसे हो? बढ़िया भैया, और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हेलो पाजी, कैसे हो जी? बहुत टाइम से ना मैं सोच रहा था कि यार मैं इस साइड जब भी आऊँ, मैं यूपी की तरफ जब भी आऊँ, पाजी से मिल के जाऊँ और साथ ही साथ एक कवर करके जाए इनके यहाँ पे वीडियो। सबसे पहले तो कपिल जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपको कितने साल हो गए डॉग्स रखते हो? ऑलमोस्ट भैया 2014 से रख रहा हूँ डॉग। 2014 से? तो ये कैसे शौक कैसे जागा डॉग्स का? बचपन से एक दो डॉग तो मैं शुरू से रखता हूँ, छोटा सा था तब से रखता हूँ मैं। अच्छा, वैसे पालने शुरू से रख रहे हो? हाँ। बट एक तरीके से ब्रीडिंग 14 से स्टार्ट, 2014 से। तो स्पेशली जर्मन शेफर्ड क्यों चूज किया आपने, या और कोई ब्रीडिंग से भी मतलब आपका है? ये जर्मन शेफर्ड ना, मतलब लैब्राडोर और ब्रीड जितनी भी है वो साथ में चलती हैं, जर्मन शेफर्ड आगे चलता है, इसलिए पसंद है मुझे। ये बात मैंने मतलब पहली बार सुनी है और बहुत अमेजिंग बात कही है अभी ने, बिकॉज जर्मन शेफर्ड ब्रीड जो रखता है ना उसको पता है उसका एक जो क्रेज है ना वो उतरता नहीं है सबसे। वाओ, तो आज आप हमारे को क्या दिखाने वाले हो, थोड़ा हमारे को प्लीज डिटेल में बताओ भाजी। ये मेरी पहली फीमेल है। अच्छा, इससे मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। तो ये कितने साल की होगी? चैंपियन फीमेल है हनी। कितने साल की होगी ये? लगभग हो रही है 2014 में ये फर्स्ट टाइम शो हुई थी, बेस्ट पपी शो लगी थी। तो मतलब ये 2013 बॉर्न है? हाँ हाँ। वाओ, देख रहे हो अभी अभी देखो स्टार्टिंग में ही हमें इसको दिखाया ना। मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, सभी लोगों के मन में बड़े अजम्पशंस बनते हैं कि जो फार्म रखा है, जिसका फार्म है, वो ब्रीडिंग करते हैं, वो जैसे ही दो चार बार बच्चे लेके वो ऐसे छोड़ देते हैं। नहीं भाई, घर के मेंबर की तरह भी रखने वाले लोग हैं, जैसे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अभी, ये फिलहाल कुछ नहीं कर सकती, फिलहाल सिर्फ रेस्ट कर सकती है और खाना खाती है और बढ़िया खुला, और मुझे लगता है ये इसी को इजाज़त होगी खुला घूमने की, है ना? रात में ये भी खुली रहती है आराम। वाह, तो ये देख रहे हो यार बहुत प्रॉपर पाजी ने जो है सेटअप बनाया हुआ है। कितने बाई कितने का बाहर सेटअप है पाजी ये? भैया लगभग 18x8। और साथ ही साथ जैसे जो अंदर है सारा, एक आप देख सकते हो एग्जॉस्ट है, अंदर कूलर की प्रॉपर सेटिंग की हुई है। और ऑलमोस्ट कितने डॉग्स हो गए हैं पाजी अभी आपके पास यार? अभी है 18 डॉग के करीब हैं टोटल ना, बच्चों को सब जोड़ के 18 करीब हैं डॉग। वाह। सो गाइस, अभी जो है मैं फिलहाल आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी इनकी यहाँ पर और दिखाता हूँ, और उसके बाद एक एक करके जो है इनके डॉग से मिलवाता हूँ। ये कौन है? एमिल। एमिल, ये एक एक करके ना इन सभी से मिलना पड़ेगा और एक बार दिखाऊँ एक मिनट। तो ये देखो, ये सभी के सभी एक तो इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं ना, इनकी पूरे शेर लग रहे हैं, और साथ ही साथ ओहो जो ये सेटअप पाजी ने तैयार किया हुआ ना, ये कितना टाइम पुराना सेटअप है पाजी अभी फिलहाल? ये अभी हो भैया 2 साल हो गए इसमें। 2 साल के करीब यहाँ पे मैं सिटी में रखता था। अच्छा, मैंने यहाँ लगे हाथ में बनाया इसको। वाह, बहुत सही। और ये कितने बाई कितने का एरिया है? ये 3 बीघा जमीन खरीदी थी, उसमें बनाया। यार ये चीज़ देख रहे हो स्पेशली इन लोगों के लिए, और देखो टेम्परेचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारा का सारा इलाका पूरे खेतों से जुड़ा हुआ है ना, पूरी जब भी मैं आया सड़क भी पूरी खेतों के बीच से आ रही है, तो उसकी वजह से अगर जर्मन शेफर्ड जो हैं वो पूरे कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पर पफीज भी है। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं इधर देख सकता हूँ, इधर से एक अलग से स्पेशल जगह छोड़ी हुई है, उसके बाद इधर भी बहुत सारा स्पेस है। यहाँ पे पाजी स्विमिंग पूल बनाने का सोच रहे हैं अभी? हाँ, स्विमिंग पूल बनेगा भैया यहाँ पे, वो जगह इसलिए छोड़ता है।
वाह, तो ये इधर बहुत अमेजिंग, वैसे जगह बहुत सही रही। देखो पीछे खेत दिख रहे होंगे आपको चारों की तरफ। और इधर आपने क्या स्पेशल पाजी जगह रखी हुई है? ये ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है डॉग शो के लिए, जो ट्रेनिंग होती है वो इधर होती है हमारी साइड। क्या बना रखा है ये देख रहे हो, ये सारा का सारा एरिया जो है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए और इनके खेलने कूदने के लिए है ना। चलो अभी एक एक करके पाजी प्लीज आप हमारे को अपने सभी डॉग से मिलवा दीजिए। ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल जो है मैं आपको कपिल पाजी के जो है हमारे दो सबसे पुराने डॉग्स दिखा रहा हूँ। ये बात हमारे को पता लगा 2013 बॉर्न है फीमेल जो, और मेल कौन से ईयर का बॉर्न है पाजी? इसके भी 8 साल के करीब हो रहा है, 7 प्लस हो गया है। और इसका डॉग का नाम क्या? मेल फिडोर ऑफ करवासरालैंड। ओके, तो ये कौन सी लाइन से बाय द वे? वैसे कुछ इंडियन है, मैट डिवम सिम्पोर का सन है, रेमो के थर्ड जनरेशन है, रेमो की थर्ड, ये भी थर्ड जनरेशन है रेमो की, ये भी थर्ड जनरेशन। तो यार एक चीज, वही चीज सबसे मेन देखने की, एक तो सबसे पहले पाजी ने जो ये चीज लगाई है ना, मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपके पास डॉग है और आपको मतलब थोड़ी देर के लिए डॉग को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना कि उसको पिंजरा फील ना हो, तो आप ये चीज जरूर रखो। हाँ, खुला खुला है तो उसको, उनको ऐसा नहीं लगेगा, उनके लिए एक इजी सा कंफर्टेबल सा स्पेस है, घास में बैठे हैं और साथ ही मतलब बहुत प्यारे हैं यार। देखो शांत कितने हैं, मतलब हम जर्मन शेफर्ड ब्रीड को लेके और कहीं ऐसी ऐसी बड़ी ह्यूज ब्रीड्स को लेके बातें बना लेते हैं, बट मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, बड़े शांत हैं। ओके गाइस, अभी फिलहाल जैसे मैं बात कर रहा था सबसे बड़े डॉग दिखाए एज में, अब सबसे छोटे डॉग दिखाता हूँ। तो इनमें सबसे छोटे ये दोनों है ना? हाँ जी। एज इनकी भैया? ये भैया लगभग 2-2 महीने के होने वाले हैं। और हाई हाई 2-2 महीने के हिसाब से आप इनकी हेल्थ चेक कर रहे हो। इनका फादर कौन है? क्या बात है। और ये जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर एज में बड़े डॉग हैं, एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड भी है। अब ये इसका नाम क्या डॉग का? पपी का। इसका ओली, इसका नाम है ओली। ओली इसका जोली, इसका ब्लैकी। अच्छा, ओली जोली एंड ब्लैकी। हाँ। वाह, ये मेल फीमेल है क्या? ओली जोली ये जो है ये लॉन्ग है, लॉन्ग हेयर फीमेल है, ये क्वार्ट्ज की डॉटर है। हेलो, ये एमएल की डॉटर है। अच्छा, फीमेल है। हाँ, ये कपिल भाई के पास एक ब्लैक डॉग है उसकी। तो यार एक चीज मुझे और बताओ पाजी, जैसे जो ये पपीज है आप इनको अभी फिलहाल क्या डाइट दे रहे हो? जैसे ये मैं देख रहा हूँ जर्मन शेफर्ड को, कोई स्पेसिफिकली अलग डाइट देते हैं आप? नहीं, अलग से कुछ नहीं है भैया, ये दही और फूड वगैरह मिलता है। अरे अरे अरे, बड़े शरारती, बड़े शरारती है भाई, बड़े शरारती। अरे बस 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 बस, बड़े शरारती है भाई। उधर देखो उनको, उनको अलग से शरारते करने को मिल रही है, देखो ब्लैक जर्मन शेफर्ड को। ओके गाइस, तो अभी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे कपिल पाजी का मेन, एक कह सकते हो स्टड, यहाँ का बहुत फेमस डॉग है, क्वार्ट्ज नाम है इसका, राइट? इसकी लाइनेज क्या है? वीए डॉग है। वाह, और इसकी लाइनेज क्या है, थोड़ी बता सकते हो लाइन के बारे में हमारे को? ये भी रेमो का ग्रैंडसन है। वाह, आपके पास बेसिकली बहुत सारी जो है रेमो लाइन की जो है। रेमो अगर आपको नहीं पता, तो गाइस जर्मन शेफर्ड अगर आप कभी स्टडी करोगे, जर्मन शेफर्ड की ना लाइनेजेस होती हैं, जैसे केसीआई जो पेपर्स हमें मिलते हैं उसके अंदर उसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर तब की रिपोर्ट होती है। तो ये जैसे अगर हम रेमो की बात करते हैं, रेमो वर्ल्ड चैंपियन रहा है, रेमो बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक उसने जो है वीए भी रहा है, वो बहुत सारे जर्मनी के अंदर उसने शोज जीते हैं। तो आगे उनकी प्रोग्रेनी, आगे उनकी लाइन है, वो भाग गए भाई साहब, इधर आओ। एक चीज ना अभी देखना पाजी, आप बता दे कि इसकी इतनी प्रैक्टिस है बिना लीश तक के? बिना लीश के भी चलता है। इसको थोड़ा हम चला के दिखा सकते हैं? वो देख अपने आप चल रहा है। चलो 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 तो देखा आपने किस तरीके से जो है ये बिना, देखो फिर से शुरू हो गया, अभी आके रुका ही था। चल चल दौड़, आ जा, ये देखो, आ जा आ जा, चल चल आ जा। वाओ, तो ये इतना प्रैक्टिस कितनी है अभी फिलहाल क्वार्ट्ज की बाजी? ये 5 साल का हो गया भैया, 5 साल का, अभी यंग है मतलब मेरे हिसाब से, तो है ना यार जर्मन शेफर्ड की, क्योंकि एक ब्यूटी जो है वो 4-5 साल में ही होती है, 4 साल से पहले नहीं दिखता। तो आपने ये फिलहाल ये किसकी ब्रीडिंग का है? ये इंटरनेशनल ब्रीडिंग का है, बाहर का डॉग है, इंपोर्ट डॉग है, वीए डॉग है, टू कंट्री का वीए है, 10 टाइम SG1 है और 5 टाइम V1 है, 5 टाइम V2 है और 3 टाइम V3 है। और इतनी तो भाई काफी विनिंग है, क्या बात है, इतनी विनिंग तो हमारे कहीं सुपर सेलिब्रिटीज के पास भी नहीं होगी जितने इस डॉग के पास है। और ये जो फीमेल है, फीमेल के बारे में हमारे को प्लीज कुछ बताओ। बड़े वैसे शांत है दोनों, देखो गाइस ये दिखने में तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे है शेर, और देखो ना शांत कैसे, मैं पहली बार मिला उसको, ये देखो कुछ भी नहीं कहा। और ब्लैक मास्क है इस डॉग का। फीमेल के बारे में प्लीज बताओ ना मेरे को कुछ। फीमेल ब्रिड इन इंडिया फीमेल है। अच्छा, हाँ। और इसके जो फादर कौन है? वही है रिमो के ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। देख रहे हो कितना प्यारा मैंडेड वॉर्म सिम्पोर की ग्रैंड डॉटर।
तो यार पाजी एक चीज़ ये बताओ, जैसे इनका जो कलर वगैरह होता है, ये जैसे मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके डॉग्स का बहुत डार्क कलर है ना, मैंने और भी जैसे इम्पोर्ट देखे हैं जो हमारे इधर उधर हमारे भाई जो हैं जिनके पास भी जर्मन शेफर्ड है, बड़े डार्क डार्क कलर के होते हैं, बट जब हम ऐसे देखते हैं कई लोग घर पे डब पालते हैं तो वो वैसा डार्क कलर निकलता है, उसमें क्या फ़र्क है, क्वालिटी की वजह से ऐसा होता है या एक माहौल देना पड़ता भैया इनको? ऐसा नहीं है मतलब धूप नहीं लगेगी तो भी दिक्कत होगी, डॉग को धूप भी चाहिए पूरी हेल्थ केयर मांगता है। आप कभी भी देख लो जो बाहर से डॉग आते हैं उनका थोड़ा लाइट कलर होता है, हमारे इंडिया में आकर थोड़ा डार्क हो जाता है, कारण धूप या धूप लगती है, वहाँ बर्फ पड़ती है। हाँ, जर्मनी या अगर हम सर्बिया की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल ही हर टाइम बहुत कई इलाके में बहुत ठंड होती है। राइट राइट राइट, वाओ। सो पाजी इसके बाद आप हमारे को कौन से डॉग दिखा रहे हो अपने? इसके बाद एक फिडोर की डॉटर है एलिस और एमिल, दो। क्या बात है। तो सो गाइस अभी जब मैंने आपको डॉग दिखाए थे वो लॉन्ग हेयर डॉग्स थे, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं शॉर्ट हेयर डॉग्स। तो दो टाइप के जर्मन शेफर्ड आते हैं, वैसे डबल कोट तो दोनों ही जर्मन शेफर्ड होते हैं, दोनों जर्मन शेफर्ड के, हर जर्मन शेफर्ड के डबल कोट होता है, बट एक लॉन्ग कोट होता है एक शॉर्ट कोट, ये दोनों के दोनों शॉर्ट कोट है। इसकी एज कितनी है मेल की? ये 4 साल का हो गया। और ये बड़ा ह्यूज है, क्या नाम है इसका? एमिल। एमिल डी कैसरोजी। वाह, और ये फीमेल भी बहुत ज्यादा प्यारी है। और ये फीमेल की क्या एज है? ये हो गई 18 महीने की। 18 महीने की अभी सिर्फ ये। और क्या नाम है इसका? इसका नाम एलिस नाम है, एलिस ऑफ बेल बॉय। वाह, और फिडोर की डॉटर है, फिडोर इनटू हनी की लास्ट लीटर है। क्या बात है यार, बहुत प्यारी फीमेल है पाजी, बहुत। और मतलब वैसे भी प्यारी है, दिखने भी प्यारी हो रही, देखो। अरे वाह, कितनी प्यारी फीमेल है। तो इनको क्या डाइट देते हो भैया वैसे आप, कुछ कोई आइडिया? इनको फूड वगैरह देता रहता हूँ भैया, बस डॉग फूड। डॉग और कुछ चिकन राइस या ऐसा? चिकन, चिकन भी देता हूँ, चिकन और राइस भी चलते हैं लेकिन चेंज करता रहता हूँ। और इनकी प्रैक्टिस कितना टाइम कराते हो आप रोज? अभी तो गर्मी पड़ रही है, अभी तो प्रैक्टिस। हाँ, बट से लगे जैसे मौसम। हाँ, सर्दियों में प्रैक्टिस हो जाएगी, रोज रोज ही मतलब डेली प्रैक्टिस होया करेगी। वाह वाह। और इस बार अभी देखो अगर पाजी शो सीजन करेंगे तो देखते हैं कि क्या क्या शो सीजन में पाजी लेकर आने वाले हैं। बाकी यार ये डॉग तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगा मुझे, प्यारा है ना, कुछ कहता तो नहीं? बहुत प्यारा। इसका फेस आप चेक करो ना, कितना हैवी है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसका बोन साइज, फुटबॉल। वाह, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। देखो कुछ कह भी नहीं रहा है, बहुत अमेजिंग डॉग है। ओह, अरे हाँ, बस 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 बस, क्या बात है। तो यार बहुत टाइम लग जाता होगा पाजी, पूरा टाइम देना पड़ता होगा, इतने सारे डॉग्स रखना कुछ आसान तो है नहीं यार, है ना, ये चीज तो माननी पड़ेगी। गाइस इसकी स्पीड बहुत खतरनाक है भाई, बहुत तेज दौड़ रहा है कुत्ता, देखना। वाओ यार, ही इज अमेजिंग। देखो जल्दी 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 जल्दी। वाओ, ये मतलब जितने में दूसरे डॉग सोच रहे थे कि हम कैसे भागे, ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है डॉग। वाओ वाओ। तो गाइस अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और अगर आपको इन डॉग से, इन पपीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पाजी का नंबर, आपको इनकी पूरी आईडी, इनकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। मेक श्योर आप जाकर जरूर है चेकआउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, आप अपना टाइम निकाला और बहुत अच्छा लगा, आगे से बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जरूर पाजी के पास आता जाना रहता रहेगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने जरूर कमेंट करना पाजी के लिए। और डॉग्स तो बहुत बेहतरीन, मुझे बड़ा मजा आया डॉग्स को देख के। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। उसको देखना, वो उसको तो फुटबॉल के साथ खेलना। ओह ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अरे 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 अरे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।